हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का 11 लेक्चर और एमएस वर्ड का पार्ट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद एमएस वर्ड के 2 प्रैक्टिकल क्लास होंगी जो आप इसके क्लास के बाद सीखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि यदि आप हमारे द्वारा बनाई जा रही ट्रिपल सी की ये 15-16 लेक्चर हम क्रिएट करेंगे, यदि ना आप आराम से एक बार देख लेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे नंबरों से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ये लेक्चर्स हैं ये डोएक नाइलाइट सोसाइटी के ही क्रिएट किए हुए लेक्चर हैं जिनको मैं अपनी भाषा में बना रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन पे नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्रिपल सी का 11 लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भाग 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे टेबल के साथ कार्य करना, टेबल को इंसर्ट करना, पंक्ति और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करना, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, पंक्ति की ऊंचाई बदलना, कॉलम की चौड़ाई को बदलना, टेबल में कार्य करना। टेबल का प्रयोग फॉर्म, व्यावसायिक रिपोर्ट, कैटलॉग और बायोडाटा आदि डॉक्यूमेंट को बनाने में करते हैं। वर्ड की टेबल में क्षैतिज रो और ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। रो और कॉलम के बीच में बनाए गए क्षेत्र को सेल कहते हैं। जो एक खाना होता है उसको सेल कहते हैं। जो इस तरह से होती है वर्टिकल में उसको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रो बोलते हैं। सेलों में टेक्स्ट संख्या अथवा ग्राफिक्स को रखते हैं। टेबल को इंसर्ट करना, टेबल जहाँ इंसर्ट करनी हो वहाँ आप इंसर्शन पॉइंट को रखें यानी कि कर्सर को रखें। टेबल मेन्यू में इंसर्ट को हाईलाइट करें तथा टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है। टेबल में जितने रो और कॉलम चाहते हैं उनकी संख्या डालें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। पंक्ति की ऊंचाई बदलना, पंक्ति यानी कि रो की ऊंचाई व्यवस्थित करने के लिए पंक्ति में कहीं भी क्लिक करें। टेबल मेन्यू टेबल प्रॉपर्टीज कमांड पर क्लिक करें। इससे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपके साइड में दिखाई दे रहा है। डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब पर क्लिक करें। साइज ऑप्शन में स्पेसिफाइज हाइट चेकबॉक्स को चुनें, पंक्ति की साइज सेट करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। कॉलम की चौड़ाई को बदलना, कॉलम की चौड़ाई व्यवस्थित करने के लिए कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। टेबल मेन्यू में टेबल प्रॉपर्टीज कमांड पर क्लिक करें। इससे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब पर क्लिक करें। साइज ऑप्शन में प्रीफर्ड विथ चेक बॉक्स को चुनें, कॉलम की साइज सेट करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट करने के लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद टेबल मेन्यू में टेबल प्रॉपर्टीज कमांड पर क्लिक करें। इससे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की सेल टैब पर क्लिक करें। वर्टिकल अलाइनमेंट में अलाइनमेंट सेट करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। पंक्ति को इंसर्ट करना, पंक्ति के नीचे या ऊपर जहां आप नई पंक्ति को डालना चाहते हैं वहां इंसर्शन पॉइंट को रखें। टेबल मेन्यू में इंसर्ट को हाईलाइट करें। रोज एवं
रोज अबव अथवा रोज ब्लो को चुने, नई पंक्ति इंसर्ट हो जाएगी या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे, यानी के ब्लो पंक्ति को डिलीट करना। सेल की एक पंक्ति अथवा कई पंक्तियों को डिलीट करने के लिए पंक्ति को सिलेक्ट करें, टेबल मेन्यू पर क्लिक करें, डिलीट को हाईलाइट करें और रोज कमांड को चुने, यह पंक्ति और उसके कंटेंट को डिलीट कर देगी। उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके दाईं या बाईं ओर आप नए कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें हम इंसर्ट कॉलम करना सीख रहे हैं। टेबल मेन्यू पर क्लिक करके इंसर्ट कॉलम को हाईलाइट करें और लेफ्ट कॉलम अथवा राइट कॉलम को चुने। साइड में सभी पे हमने पिक्चर को दिखा रखा है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। कॉलम को डिलीट करना, डिलीट किए जाने वाले कॉलम अथवा कॉलमों को सिलेक्ट करें, टेबल मेन्यू पर क्लिक करें, डिलीट को हाईलाइट करें तथा कॉलम कमांड को चुने, यह कॉलम और उसके कंटेंट को डिलीट कर देगी। तो एमएस वर्ड की थर्ड पार्ट और ट्रिपल सी की 11 क्लास आज यहाँ कंप्लीट होती है। आज की हमारी आपको क्लास कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।